Farmer leaders have given a call to farmers across the nation to reach the capital on March 6th for a protest leading up to a four-hour-long rail roko nationwide call on the 10th of March. Now, the farmers plan to continue the protest until the demands are met by the centre. Remember, one of the key demands is a legal guarantee for a minimum support price for 23 crops. The Kisan Mazdoor Morcha is spearheading the Delhi Chalo March, which began on February 13th, while 200 other farmer unions are taking part in the protest. Remember, over the last 2 weeks, Delhi's borders with neighbouring states have been sealed. Section 144 has been imposed and internet has been suspended in various regions. Traffic has been halted across the NCR and more. Now, the farmers' protests were paused for a short while after a farmer, Shubhkaran Singh, was killed on February 21st. पंजाब हरियाणा को छोड़कर ये मीडिया ध्यान से दे जो हमारा मोर्चा चला ये यहीं पर रहेगा यहाँ से कोई भी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़ के आगे नहीं बढ़ेगा ये स्पष्ट है यहाँ जस का तस रहेगा क्योंकि हम अपनी बात पर खड़े हैं हमने तो ये निर्णय लिया है कि जिस तरह से मोदी सरकार डिक्टेट कर रही है जिस तरह से हमारे निहत्थे लोगों के ऊपर बुलेट चलाई जा रही है तो इस बुलेट के रिस्क के ऊपर हम आगे नहीं बढ़ेंगे जिन राज्यों से ट्रैक्टर ट्रॉली आ ही नहीं सकते उन राज्यों को हमने बोल दिया कि आप 6 मार्च को आप देख लें आप ट्रेन से आ सकते हैं आप पैदल मार्च करके आ सकते हैं जो भी आपका निर्णय है आप राजधानी में पहुंचिए माय कॉलीग अभिषेक गेट्स अस अ ग्राउंड रिपोर्ट फ्रॉम गाजीपुर लेट्स टेक अ लुक 6 मार्च यानी कि आज से 2 दिन बाद किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है किसान शंभू बॉर्डर के पास मौजूद हैं, अलग अलग बॉर्डर्स में भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ किसानों ने ऐलान किया है कि 6 मार्च को वो दिल्ली की तरफ आगे बढ़ेंगे ऐसे में दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो है वो एक बार फिर से कड़ी कर दी गई है गाजीपुर मोर बॉर्डर पे हम मौजूद हैं और यहाँ आप देखिए किस तरीके से जो बैरिकेडिंग है वो की गई है कटीले तार लगाए गए हैं सीआरपीएफ की जो टीम है वो यहाँ पे तैनात की गई है ऊपर थोड़े राहगीरों को दिक्कत ना हो इसीलिए इस रास्ते को अभी के लिए खोला गया है लेकिन नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे तो नीचे की तरफ पूरे रोड को ब्लॉक कर दिया गया है नीचे के सारे जो रोड हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है जो यूपी से दिल्ली की तरफ आते हैं NH24 है ये और यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो ट्रिपल लेवल की जो बैरिकेडिंग है वो की गई है कटीले तार लगाए गए हैं इसके अलावा जो दंगा निरोधक दस्ता है दिल्ली पुलिस का वो भी यहाँ पे तैनात है एम्बुलेंस को भी एहतियातन यहाँ पे तैनात किया गया है ताकि किसी भी तरीके से अगर हालात खराब होते हो तो उस कंडीशन में एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाए यहाँ उसकी भी तैनाती की गई है इसके अलावा अगर आप NH24 ऊपर अगर देखेंगे जिसके ऊपर पिछली बार जब किसान आए थे तो जम के बैठ गए थे नीचे भी बैठे थे ऊपर भी बैठे थे यहाँ भी आप देखिए किस तरीके से जो मोटे मोटे यहाँ पे जो सीमेंटेड बैरिकेड्स हैं उनको तैनात किया गया है इसके साथ साथ यहाँ पे सीआरपीएफ और दिल्ली पुलिस की जो तमाम फोर्सेज हैं उनको यहाँ पे लगाया गया है ताकि किसी भी तरीके से जब किसान यूपी से दिल्ली की तरफ घुसने की कोशिश करे तो उनको रोका जाए